पवन सिंह की तीन फिल्म चर्चा में। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार। इसी तीनों फिल्मों के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। और जो लोग मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो चलिए सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं पवन सिंह की पहली फिल्म के बारे में, जिस फिल्म का नाम है सिंह इज फायर। इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आएंगे पवन सिंह और स्वर्गीय आकांक्षा दुबे। एक और एक्ट्रेस इस फिल्म में नजर आने वाली है। और बात की जाए इस फिल्म के बारे में, तो फिल्म फुल एक्शन पैक मूवी होने वाली है। इस फिल्म में ऋतिक सिंह भी नजर आने वाले हैं। हेलीकॉप्टर के साथ एक्शन शूट किया गया है इस फिल्म का, और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं मनोज नारायण सिंह। और पवन सिंह की दूसरी फिल्म चर्चा में है, जिस फिल्म का नाम है सूर्यवंशम। इस फिल्म के स्टार कास्ट में नजर आएंगे भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और दो न्यू एक्ट्रेस। और इस फिल्म को डायरेक्ट किए हैं रजनीश मिश्रा, और बहुत दिनों के बाद पवन सिंह के साथ लेकर आ रहे हैं बिल्कुल देसी मूवी। और पवन सिंह की तीसरी फिल्म चर्चा में है, जिस फिल्म का नाम है लाखन सिंह। इस फिल्म में पवन सिंह नए लुक में नजर आने वाले हैं, यानी अपने पुराने वाले लुक में नजर आने वाले हैं। जो डकैत फिल्म में लुक था वैसा ही लुक होने वाला है लाखन सिंह फिल्म में। पवन सिंह की एक और फिल्म थोड़ा सा चर्चा में है, जिस फिल्म का नाम है जियो मेरी जान। बताया भी जा रहा है कि इस फिल्म में पवन सिंह पागल वाला लुक में नजर आ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, पवन सिंह की ये तीन चार फिल्में काफी ज्यादा चर्चा में है, और इन फिल्मों को आप सभी के बीच रिलीज किया जाएगा 2024 में। हाँ, एक बात और आप सभी को बताना चाहता हूँ, इन तीन चार फिल्मों का फर्स्ट लुक पोस्टर और ट्रेलर कभी भी आप सभी के बीच आ सकता है, और ये सभी फिल्में बनके पूरी तरह से तैयार है। हाँ तो दोस्तों, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का अपडेट आप सभी को कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे। धन्यवाद दोस्तों।